जयपुर में कस्टम विभाग ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए गुरुवार को सुबह 4 बजे शारजहां जाने वाले दो युवकों से 1,10,00,000 रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की है। जयपुर एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई जयपुर से शारजहां जाने वाले एयर अरबिया की फ्लाइट के उड़ान भरने से ठीक पहले इसको अंजाम दिया गया। कस्टम विभाग की ओर से एयरपोर्ट पर दोनों युवकों को विदेशी मुद्रा के साथ पकड़े गए नागौर निवासी जावेद और भरतपुर निवासी नरेश को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि कस्टम विभाग ने सांगानेर एयरपोर्ट पर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों से चेकिंग के दौरान जब कस्टम विभाग के अधिकारियों ने पूछताछ की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। जयपुर से शारजहां जा रहे इन व्यक्तियों के पास से विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। वहीं जब्त की गई विदेशी मुद्रा की भारत में कीमत 1,10,00,000 रुपए से ज्यादा बताई गई है। आज सवेरे की गई कस्टम विभाग की इस कार्यवाही के दौरान कस्टम टीम ने 1,00,00,000 रुपए से भी ज्यादा की विदेशी मुद्रा के साथ नागौर और भरतपुर निवासी दो युवकों को अरेस्ट किया है। दोनों सवेरे 4 बजे शारजहां जाने के लिए फ्लाइट में जाने की तैयारी कर रहे थे, जब उनके बैग को स्कैनर मशीन से निकाला गया तो बैग में विदेशी मुद्रा नजर आई। दोनों के पास से 1,10,00,000 से भी ज्यादा के डॉलर, दिरहम, यूरो और अन्य विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। कस्टम विभाग ने कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपी नागौर निवासी जावेद और भरतपुर के नरेश को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ करने पर दोनों विदेशी मुद्रा के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाए। फिलहाल डिप्टी कमिश्नर कुलदीप कुमार सिंह की टीम गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है, साथ ही इसके अन्य पहलुओं पर भी निगाहें डाले हुए हैं।